Welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we are going to learn standard 5 English NCERT textbook. Unit 1 chapter ka name hai ice cream man. Chapter 1 ice cream man. Okay. तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो तो मैंने आपको भेज दिया है ना, हमारा कैस्ट ओरी है आइसक्रीम मैन का, हमने पढ़ लिया है। आई होप आपने वीडियो देख लिया है, ठीक है, और जो भी मैंने आपको समझा है वो आपको समझ में भी आ गया है, यानी स्टोरी क्या है वो भी आपको समझ में आ गया है ना। आज हम आपको इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर बाकी था, लेसन बाकी, एक्सरसाइज बाकी था, वो एक्सप्लेन करवाएंगे, ओके। और न्यू वर्ड्स भी मैंने आपको बता दिया था, और नोट ये भी बोला कि नोटबुक में ये लिखना है आपको, है ना, गाई हो वो भी आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज, पहला फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, रीडिंग इज़ फन क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको एंड में बताती हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन का देख लेते हो, समझा देते हो एक्सप्लेन। नंबर वन में, वन क्वेश्चन में है, इन विच सीजन इज़ आइसक्रीम पॉपुलर, तो कौन से सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होता है, ये तो आपको पता है, ये समर सीजन में है ना, समर में हम आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए समर सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होता है, ज़्यादा पॉपुलर होता है। टू में है, हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, मतलब कौन ऐसे आइसक्रीम मैन के पास में बैठ के देख के इसे जॉयफुल कर रहे थे, तो इंजॉय फील कर रहे थे, है ना, मज़ा ले रहे थे। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट, मतलब अलग अलग आइसक्रीम मैन के कार्ट के, आइसक्रीम मैन के पास जो कार्ट है छोटा सा वो, तो उसमें कितने सारे मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स है आइसक्रीम है, उसका नेम लिखना है ना। और सेकेंड क्वेश्चन का मतलब है, आइसक्रीम मैन को कौन बैठ के जॉयफुल कर रहे थे देख के, है ना, ये देख, ये सब देख के किसको मतलब फील हुआ था, हो रहा था, तो ये है कौन है, पोएट, है ना। फोर है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, दो चीज़ों का नेम लिखना है जो आइसक्रीम मैन बेचते हैं। फाइव, व्हाट इज़ द आइसक्रीम मैन कार्ड कंपेयर टू इन द पोएम, मतलब आइसक्रीम मैन जो है वो पोएम में किसके साथ कंपेयर किया है, मतलब आइसक्रीम मैन के कार्ड के साथ, आइसक्रीम मैन आइसक्रीम कार्ड के साथ पोएम में पोएट ने किसके साथ मतलब कंपेयर किया है, तो ये तो हमने पढ़ा है क्या था, केलिडिल क्लस्टर, यानी जो आइसक्रीम मैन को जो घेर के रखे थे, है ना, जैसे कि फ्लावर से भरा हुआ बेड है, तो ऐसे मधुमक्खी का कैसे छत्ते में मंडराते रहते हैं सब, है ना, झुंड बना के, तो ऐसे चिल्ड्रन जो है आइसक्रीम कार्ट को कार्ड के आजू बाजू एकदम अराउंड करके घेर के रखे थे, है ना, तो यही होगा आंसर, लास्ट में हम देखते हैं। उसके बाद क्या है, लेट्स राइट, क्या लिखना है, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल, मतलब हॉट समर डे में गर्मियों में आइसक्रीम कैसे मतलब इंजॉय करके हम लोग खाते हैं, एक्साइटिंग हो जाता है ना, तो वो लिखना है। जैसे कि नंबर वन में दिया है, देखो, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में हम लोग क्या एक्साइटिंग होके इंजॉयबल, दो चीज़ों का नेम लिखना है जो हम विंटर सीजन में मतलब इंजॉय करते हैं, तो इन विंटर सीजन वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस एंड सिप हॉट टी और कॉफ़ी, तो विंटर सीजन में हम लोग क्या खाते हैं एक्साइट होके, सैंडविचेस, है ना, गरम गरम एकदम हॉट सैंडविचेस और हॉट कॉफ़ी हम सिप सिप करके पीते हैं। और वी कैन ऑल्सो सिट अराउंड अ फायर एंड ईट पॉपकॉर्न रिवर्स एंड स्पिनर्स, तो और क्या करते हैं किस कहीं पे मतलब आग जलते हैं वहाँ पे हम आजू बाजू बैठ जाते हैं, सिट हो जाते हैं, ठीक है, और क्या खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, यहाँ पे फायर एफ आई आर ई है, ओके, फायर नॉट वी ए आर है, और क्या करते हैं, पीनट्स यानी जो बादाम होते हैं, मूँगफली होते हैं, वो हम खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू में,
लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन, आपको एक लिस्ट लिखना है जो समर में आप एक्टिविटीज़ करते हो। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम समर में करते हैं, जैसे स्विमिंग है ना, फिर हम खेलने भी जाते हैं, जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग तो हर सीजन में करते हैं, पर समर में सभी लोग बाहर निकलते हैं ना, रात को भी नाइट को भी चलते हैं। और क्या क्या जो भी एक्टिविटी होता है समर में वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ये भी आप लिख सकते हो बुक पे, या आपके हिसाब से भी लिख सकते हो। जैसे कि स्विमिंग, ट्रैकिंग, गोइंग फॉर पिकनिक में जाते हैं हम लोग इन द इवनिंग, फिर ड्राइंग करते हैं, स्केचेस, पेंटिंग, रीडिंग, स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड क्रिकेट, ये सब हम करते हैं एक्टिविटीज़। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो या कुछ और भी लिख सकते हो जो आप करते हो समर में। ठीक, नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अभी इंडोर और आउटडोर गेम्स लेना है आपको, एक्टिविटीज़ लेना है और उसका ग्रुप बना देना है। जैसे यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में इंडोर गेम्स है और राइट साइड में आउटडोर गेम्स है। तो इंडोर गेम्स ड्राइंग, रीडिंग, बुक्स, पेंटिंग, ये सब हम घर में बैठ के करते हैं एक्टिविटीज़ जो भी। और आउटडोर जो हम बाहर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि स्विमिंग, ट्रैकिंग, क्रिकेट, गोइंग फॉर पिकनिक, ये सब हम आउटडोर मतलब बाहर जाके करते हैं। तो ये आउटडोर एक्टिविटीज़ है, और ये ड्राइंग, रीडिंग, बुक्स, पेंटिंग, ये सब क्या है, इंडोर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। नेक्स्ट क्या है, इसे अलाउड है, कुछ वर्ड्स दे दिया है, आपको जोर जोर से पढ़ना है। सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट जीड साउंड, वन इज डन फॉर यू। जीड, जीड साउंड होता है ना ऐसे, हनी बी, ऐसे जीड जीड साउंड हो रहा है, ये आपको जोर जोर से पढ़ना है, लर्न करना है, लाउडली बोलना है और आपको सर्कल करना है जो जीड साउंड आ रहा है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। प्राइज, देखो इसमें जिप नहीं आ रहा है, राइस एक करके दिया, देखो हनी बीज है ना, प्राइस, राइस इसमें नहीं आ रहा है। लेजी, जी देखो, जी, रेज, चेज, प्राइज, राइस, फिर आएगा रेज, मेज, ब्लेज, बिजी, डीज, फिज। ठीक है, ये जो मैंने सर्कल करके दिया है, इतना आपको सर्कल करना है और लाउडली बोलना है। ठीक है, इस वर्ड्स में साउंड क्या आ रहा है, जेड साउंड। ठीक है, इसलिए आपको जोर जोर से बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज में है, लेट्स लिसन क्या है। नंबर वन, लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। कार्ड है मार्क, ड्रिंक्स प्रिंग, ऐसे आपको पोएम मतलब वर्ड्स लिखना है। ठीक है, पोएम साउंड हो रहा है मतलब राइमिंग वर्ड्स जैसे बोलते हैं ना, टेल द साउंड्स दैट दिस वर्ड्स मतलब इस वर्ड का राइमिंग वर्ड्स लिखना है पोएम में से। तो जैसे कट मार्क, ड्रिंक्स पिंक, प्रिंक। ओके, कैन यू मेक दिस साउंड्स, क्या आप ये सब साउंड सुने हैं मतलब कर सकते हो, ऐसे कट मार्क, ऐसे कैन यू मेक दिस साउंड्स, तो मतलब आप ये साउंड सुने हो या बना सकते हो, बोल सकते हो, मुंह से आवाज़ निकल सकते हो, तो अब यस होगा, यस नो होगा, नो। टू, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स ऑफ यू हियर व्हेन द स्केमैन कम्स। तो कैन यू मेक्स दिस साउंड्स, ये जैसे कि मार्क प्रिंग, ये तो हम नहीं बोल कर सकते ना, इसका साउंड हम नहीं निकल सकते। ठीक है, तो नो ही आएगा ऑब्वियसली। टू में है जो डिफरेंट साउंड्स है, कुछ और भी वर्ड्स है, साउंड जो है डिफरेंट है, तो आइसक्रीम मैन जब आते हैं तो और भी डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं ना। तो फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट, देखो तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट दिया है, क्या है, हियर इज अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया है अंकल लाल्स के फार्म में, फार्म का रिपोर्ट है। जैसे कि फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म, आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउज, ही हैज 50 काउज, दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स, इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू द बर्न टू बी मिल्ड। मिल्ड, अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी। तो अंकल लाल के एक फार्म है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे काउज है, कितना, 50 काउज है। तो वो क्या करते हैं, उनको खाना देते, मतलब ग्रास खा देते हैं, बिग ग्रीन फार्म
उसका बहुत बड़ा सा एकदम ग्रीन फार्म है, वहाँ से वो निकल लेके आते हैं ग्रास, फिर वो काट के ग्रास काट के लेके आते हैं और काउ को काउस को खिलाते हैं। और शाम के टाइम क्या करते हैं, वो फार्म आते हैं और मिल्क निकालते, दूध निकालते हैं ना। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में होगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, अंकल लाल उस मिल्क को सिटी में बेचते हैं ना, सेल करते हैं, बाहर जाके शहर में जाके बेचते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही कोई रिपोर्ट आपको लिखना है, व्हेन राइटिंग या रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखना है, जब आप रिपोर्ट लिखोगे तब आपको रिमेंबर याद रखना है, रिमेंबर टू डू दिस थिंग्स, मतलब जब आप रिपोर्ट लिखोगे कोई भी तो आपको याद रखना है कुछ चीज़, क्या ये थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली, मतलब एक अच्छा सा ये लिखना होगा, टाइटल देना होगा आपका, जैसे यहाँ पे दिया ना अंकल्स फार्म, लाल फार्म, तो आपको भी ऐसे ही कोई रिपोर्ट जब लिखोगे तो एक अच्छा सा टाइटल देना है। फिर कीप टू योर सब्जेक्ट लिखना है, फिर टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, फिर चीज़ों को राइट ऑर्डर में लिखना है, मेक योर पेपर लुक नीट, फिर आपका पेपर जो एकदम नीट लगना है ना, देखने में एकदम सुंदर लगे। नेक्स्ट क्या है, एंड ग्रुप्स ऑफ फोर राइट रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया, तो आपको आपके एरिया में जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ऐसा ग्रुप बनाना है और रिपोर्ट लिखना है अलग अलग, ठीक है, ब्रांड्स के आइसक्रीम अवेलेबल है, कौन सा आपके एरिया में जो आइसक्रीम की दुकान है, ठीक है, तो वहाँ पे कि क्या क्या आइसक्रीम डिफरेंट मतलब ब्रांड्स मिलता है आइसक्रीम के, ठीक है, ऐसे फोर ग्रुप बनाना है, आपके फ्रेंड्स में से ग्रुप बना लिया, ठीक है, कि आज दो उस एरिया में जाएगा, दो इस साइड जाएगा, ठीक है, ऐसे जो भी वहाँ पे जो भी आइसक्रीम का दुकान है, पार्लर है, आइसक्रीम पार्लर, तो वहाँ पे जाके देखना होगा क्या क्या ब्रांड्स मिलता है, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स का नेम लिखना है आपको, ठीक है, तो आपको अभी करना नहीं है क्योंकि अभी तो बाहर नहीं निकलना है, ओके, तो ये जब आप बाहर निकलोगे तब आपको ये एक्टिविटीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, क्लूज दे क्या दिए दिए यूज़ कर सकते हो, क्या स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेंस द टॉपिक, देन लिस्ट आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया, तो आप एक क्लूज दे, दो क्लूज दे दिए, इस हिसाब से आप लिख सकते हो, मतलब आप जब लिखोगे तब एक इंट्रोडक्शन देना है, कौन सा टॉपिक लेना है आपको वो ले लेना है, फिर आपको लिस्ट लिखना है आइसक्रीम ब्रांड्स जो जो आपके एरिया में अवेलेबल है आइसक्रीम ब्रांड्स, वो आपका एक आपको एक लिस्ट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स, मतलब अभी क्या है, आप देखते हो कौन से फ्लेवर जो है, कॉमन फ्लेवर जो हम खाते हैं आइसक्रीम, वो क्रीम इन विच ऑफ द ब्रांड्स, इसमें कौन सा मतलब ब्रांड्स हम खाते हैं, कौन से कॉमन फ्लेवर्स जो हम खाते हैं आइसक्रीम का ब्रांड जो है वो हम खाते हैं कॉमन। नेक्स्ट, अंडर इज ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, मतलब कौन सा ब्रांड जो है आपको नीचे लिखना होगा, कौन सा फ्लेवर का और कौन सा ब्रांड है जो ज़्यादा सोल्ड होता है, ज़्यादा मतलब बेचते हैं जो आइसक्रीम का दुकान है ना, वो लोग कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम, ब्रांड का आइसक्रीम ज़्यादा बेचते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइसेस, उसका प्राइसेस भी लिखना होगा, ठीक है, जो भी आप फ्लेवर लिखोगे, ब्रांड लिखोगे, उसका प्राइसेस भी लिखना होगा। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, फिर लास्ट में आपको कौन सा आइसक्रीम आप पसंद करते हो और पॉपुलर भी मोस्ट मतलब आइसक्रीम वो ज़्यादा पॉपुलर है वो आपको लिखना है, यू थिंक आपको क्या लगता है, मतलब कौन सा आइसक्रीम का ब्रांड जो है वो पॉपुलर है। देखो इस तरह से आपको लिखना होगा, मैंने लिख के दिया है, आवर ग्रुप विजिटेड 3 आइसक्रीम पॉपुलर पार्लर्स इन आवर एरिया, हमारे एरिया में 3 आइसक्रीम पार्लर्स है, मदर डेरी सेल्स 3 फ्लेवर्स नॉर्मली मैंगो वैनिला एंड चॉकलेट चोको फ्लेवर, क्वालिटी वॉल्स ऑफर्स ऑरेंज बार ट्विस्टर मो एंड चोको फेस्ट अमूल हैज रेसबेरी कोको कोला कोला बार एंड सरप्राइज बार प्राइसेस अरेंज प्राइसेस रेंज From rupees 10 to 20, we tested all of them. In my opinion, Choco Feast sold by quality walls is the most popular.
तो मैं हमारे एरिया में 3 पार्लर्स है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चोकोबार जो है वो क्वालिटी मोस्ट पॉपुलर है हमारे एरिया में, है ना। तो हमने ये सभी आइसक्रीम खाए हैं, टेस्ट किया है, तो कितने रुपीस का दे दिया है, 10 to 20 रुपीस का, ठीक है। ऐसे आपको एक रिपोर्ट लिखना है या वे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, वर्ड बिल्डिंग है। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे आपको कलर करना है। बॉक्सेस में वर्ड्स दे दिया है और उस बॉक्सेस में जो राइमिंग वर्ड्स हो रहा है दोनों सेम सेम, मतलब राइमिंग वर्ड्स हो रहा है, मतलब लास्ट के जो एंडिंग का जो लेटर है उसका साउंड जो है वो सेम हो रहा है, उसको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। वो राइमिंग वर्ड्स आ रहा है जिस बॉक्सेस में उसमें आपको कलर करना है। तो मैंने यहाँ पे टिक करके दे दिया। देखो सिटी कार्ड ये अलग है, हीट स्ट्रीट ये राइमिंग वर्ड्स है, ब्लोज गोस ठीक है, गस ग्लस गस, डू गो ये नहीं हो रहा है, हार्ट ईयर्ड बॉल डॉल ये भी नहीं हो रहा है, काउ सो ये नहीं, लेबल टेबल, स्काई माय, प्ले ओवे, रेस मे, फेस राइट नाइट ठीक है। तो हीट स्ट्रीट ब्लोज गोस हार्ड ईयर्ड लेबल टेबल स्काई माय प्ले ओवे रेस फेस राइट नाइट, ये सब आपको कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। तो यहाँ पे वर्ड्स दे दिया है, उसका आपको पोएम में से डिस्क्राइब लिखना है। मीनिंग्स जैसे जॉयफुल यानी साइट, जॉयफुल क्या साइट, लिटिल क्या है कार्ड, उसका डिस्क्राइब करना है, वर्ड्स को डिस्क्राइब करना है पोएम में से ढूंढ के। यानी जॉयफुल क्या था साइट, मतलब साइट में से जो भी था देखने में एकदम क्या था, एकदम जॉयफुल था, है ना। लिटिल क्या था कार्ड था लिटिल, राउंड क्या था अम्ब्रेला, अम्ब्रेला राउंड था ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग, इसमें से भी मतलब कौन सा डिस्क्राइब वर्ड्स इस पोएम में से आपने लिया है वो लिखना है। देखो यहाँ पे भी दे दिया, जैसे माउंट्स, तो माउंट्स क्या था कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स ठीक है। फ्लेवर क्या था वनीला चॉकलेट फ्लेवर, क्लस्टर थिक क्लस्टर ठीक है, उसका भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फन टाइम है, इसमें कुछ है नहीं है, देख लेते फिर भी। कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर मेंशन इन ईच, आपको यहाँ पे फ्लेवर्स जो भी है आपको एक मतलब बॉक्स में कलर करना है ठीक है। जैसे चॉकलेट है तो चॉकलेट कलर करना है, वैनिला वैनिला कलर करना है, ऑरेंज ऑरेंज कलर करना है, ब्लैक करंट करंट तो उसमें ब्लैक कलर करना है, स्ट्रॉबेरी कलर करना है, रेसबेरी बटरस्कॉच और पिस्ता, ये सब जो भी वर्ड्स दे दिया है फ्लेवर्स दे दिया है इसमें आपको बॉक्सेस में कलर्स करना है ठीक है। वही कलर करना है, चॉकलेट फ्लेवर दिया है तो चॉकलेट कलर ही करना है ठीक है इस बॉक्स में। नेक्स्ट क्या है, ड्रो एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, तो आपको यहाँ पे बॉक्स दे दिया है ठीक है, आप नोट में भी लिख सकते हो बॉक्स में अगर जगह नहीं होगा तो या छोटा सा स्मॉल सा करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा क्या आइसक्रीम, आपके सपने में जो आइसक्रीम आता है, आप जो आइसक्रीम पसंद करते हो, जो कलर आता है, कौन सा आइसक्रीम आप खाना पसंद करते हो, आपको बहुत ही पसंद है, लाइक करते हो ठीक है, आपको फेवरेट है, वो आइसक्रीम आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो ठीक है। यहाँ पे आपको आइसक्रीम ड्रॉ करना है, फिर आपको लिखना है, आइसक्रीम ड्रॉ करके कलर भी करना है, फिर आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, लिखना है क्या नोट में, आपको नोटबुक में डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लिखना है उसके बारे में जो आप आइसक्रीम ड्रॉ करोगे, जैसे कि द कलर्स, उसका कलर्स कौन सा है लिखना है, उसका फ्लेवर कौन सा है, जो आइसक्रीम ड्रॉ की है उसका फ्लेवर कौन सा है, साइज कौन सा है, द साइज, हाउ इट लुक्स कैसे देखने में कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, फील क्या फील करते हो आप एक्सेट्रा, ये सब इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको यूज़ करके आपको नोट में लिखना है और यहाँ पे आपको आइसक्रीम ड्रॉ करना है ठीक है। और उसका जो भी कलर्स फ्लेवर्स है साइज है देखने में कैसा है टेस्ट कैसा है और क्या फील करते हो वो आपको नोट में लिखना है ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट डे हैव यू एवर ईटन कुल्फी, क्या आपने कभी कुल्फी खाए हो, द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मतलब आइसक्रीम जो है वो नॉर्थ इंडिया के है ना कुल्फी, तो ये कुल्फी आप कभी खाए हो, नॉर्थ इंडिया के कुल्फी आपने कभी खाए हो, द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ई सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स दे दिया है उल्टा सीधा करके ठीक है, आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है पहले क्या होता है कुल्फी ठीक है, सेंटेंस को आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे दे दिया ही स्कोप्स
स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, पहले से ही मतलब कुल्फी निकल के प्लेट में दे रहा है। फिर है देन द पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। फिर द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर। फिर ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर में लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर। कुल्फी वाला क्या करते हैं, पहले मोल्ड में से मतलब निकालते हैं ना। देखो ठीक है, ये देखो यहाँ पे नंबर वन आएगा ऊपर का जो है। ठीक है, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, ये पहले आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ये वाला जो है ये नंबर वन आएगा। ठीक है, फिर क्या है, नंबर वन वो हो गया है, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, यहाँ पे रॉन्ग दे दिया है। ठीक है, सॉरी माय बाय मिस्टेक, से रॉन्ग टू आ गया है, तो यहाँ पे आपको वन लिख के दिया है मैंने, वन करना है। ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, पहले कुल्फी में से निकलते कुल्फी प्लेट में। फिर क्या आएगा, फिर ये आएगा टू, यहाँ पे ये आएगा टू नंबर, ये जो है वो टू नंबर आएगा, तो ये टू लिखना है। क्या, द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर, फिर मोल्ड में से वो पिच कर मतलब करके निकालते, देखो निकाला। फिर आएगा नेक्स्ट थ्री, फिर क्या आएगा, ये आएगा, देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट, लास्ट में आएगा फोर में ये आएगा। ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट, फिर वो क्या आएगा, थ्री आएगा ये। ठीक है, फिर उसके ऊपर से वो फालूदा दे रहे हैं। फिर क्या आएगा, देन फिर वो क्या करते हैं, कुछ सिरप जो है वो ऊपर से डाल देते, फिर वो सर्व करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक कम्प्लीट, ऐसे ही आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको कहा था जो क्वेश्चन था, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग स्पान में जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखो, मैंने लिख के दे दिया है नोटबुक में, आपको इसी तरह नोट में लिखना है, एक नोट बनानी है इंग्लिश के, और आपको सब कुछ टेक्स्ट बुक का जो भी है वो आपको नोट में लिखना होगा, और वर्कबुक जब मैं भेजूंगी तब आपको वर्कबुक में ही लिखना है, मतलब वर्कबुक का जो काम है वो आपको नोट में नहीं लिखना है, सिर्फ वर्कबुक में ही करना है, और टेक्स्ट बुक का जो भी है एक्सरसाइज वो आपको नोट में लिखना है, इसीलिए आपको इंग्लिश की नोट बनानी है। ठीक है, रीडिंग इज फन। चलो नंबर वन क्वेश्चन था, कौन सा सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होता है, तो आंसर आएगा आइसक्रीम इज पॉपुलर इन द समर सीजन, ये मैंने आपको बताया, इसलिए सबको लिखना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या फील मतलब देख के, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन को देख के, कौन जॉयफुल मतलब एकदम खुश हो जाते हैं ना, फील करते, तो लिटिल चिल्ड्रेन, यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल चिल्ड्रेन आइसक्रीम मैन को देख के खुश हो जाते हैं ना। थ्री नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स आइसक्रीम मैन के पास, जो मतलब कार्ट में उनके कार्ट में जो डिफरेंट फ्लेवर है वो आपको लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा आंसर इस तरह से, द आइसक्रीम मैन हैज वैनिला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स इन हिज कार्ट। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या था, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, मतलब दो चीज़ों का नेम लिखना है जो आइसक्रीम मैन बेचते हैं, जैसे द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग इन आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम बेचते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर इन द पोएम, मतलब टू पोएम, मतलब यहाँ पे पोएम में आइसक्रीम मैन के साथ कार्ट के साथ क्या कंपेयर किया था, तो मैंने आपको बताया द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, है ना, उसके साथ कंपेयर किया है आइसक्रीम कार्ट को, फ्लावर बेड से भरा यानी रोजेज जो फ्लावर है या स्वीट पीस उस फ्लावर से भरा एक बेड है उसके साथ कंपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर आइसक्रीम मैन चैप्टर वन यूनिट वन आइसक्रीम मैन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका जो भी एक्सरसाइज था चैप्टर में टेक्स्ट बुक में वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया, तो आपको आपके नोटबुक में लिखना है इसी तरह। ठीक है, और इसके बाद का जो चैप्टर है
वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।